खजरट श्री आदिनाथ भगवान की भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की जिनवाणी माता की परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की कल चर्चा हुई थी मोहेन संवृतम ज्ञानम। मोह का क्या काम है? ज्ञान को ढकना। और आत्मा के पास सबसे विशेष चीज कौन सी है? ज्ञान। सबसे विशेष चीज कौन सी है? ज्ञान। एक दीपक होता है, दीपक स्वयं भी प्रकाशित होता है और जिस स्थान पर रहता है उस स्थान की सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। हाँ, अब किसी कमरे में दीपक रखा है तो दीपक की जो लौ है वो स्वयं प्रकाशित है और उसका प्रकाश जिन जिन वस्तुओं पर पड़ रहा है वो सभी वस्तुएं उसके प्रकाश में प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही हमारा ज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से हम स्वयं को भी जान सकते हैं और दूसरों को भी जान सकते हैं। इसमें दोनों को स्व पर प्रकाशी, इसको कहते हैं स्व पर प्रकाशी, यानी स्व पर प्रकाशी है ज्ञान। ज्ञान क्या है? स्व पर प्रकाशी। मगर अज्ञानता के कारण से ये अभी पर प्रकाशी बना हुआ है, मोह के कारण से ये अभी मात्र पर प्रकाश को ही दे रहा है, स्वा की तरफ झांक ही नहीं रहा है कि स्वा में कितना प्रकाश है इस बात को देखने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो मोह का क्या काम है? पर की तरफ ले जाना। मोह का क्या काम है? पर से जोड़ना। पर से, पर क्या है? स्वा के अलावा, आत्मा के अलावा जितना जो कुछ है वो सब पर है। जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो शरीर यहीं पड़ा रह जाता। ये तो आप चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मृत्यु होती है तो सबकी एक सी होती है। ऐसे नहीं कि जैन की अलग होती है, उसमें आत्मा आधी निकलती आधी नहीं निकलती, ऐसा कुछ नहीं है। ये घटना जिसके साथ भी घटेगी, और अकेले मनुष्य नहीं, चाहे त्रियंच हों, चाहे देव हों, चाहे नारकी हों, चार गति 84 लाख योनि में जितने जीव हैं मृत्यु की घटना सबके साथ एक सी घटती है। जन्म के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी का गर्भ जन्म है, किसी का समूर्छन जन्म है, किसी का उपपात जन्म है, हैं? तो ये जन्म अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरह से हो सकते हैं, मगर मरण की व्यवस्था तो सब जगह एक सी है। कोई गाय मरेगी तो उसमें भी वही घटना घटेगी, सबकी व्यवस्था बिल्कुल एक सी है। तो जब शरीर से आत्मा निकलती है तो पड़ा हुआ क्या रह जाता है यहाँ पर? शरीर। बचा बची हुई चीज़ क्या है? शरीर। गई हुई चीज कौन सी है? आत्मा। जो चली गई है वो आत्मा, जो बचा है वो शरीर। अब इसमें भेद कर लो, इस समय शरीर और आत्मा एक लग रही है, इस समय शरीर और आत्मा एक लग रही है, तो अब इसको अलग करेंगे तो क्या क्या अलग होगा? इसमें से आत्मा और शरीर में से दोनों एक होंगे या दोनों में से क्या क्या अलग होगा? शरीर अलग होगा और आत्मा अलग हो गई, दो चीज़ अलग हो गई ना। ये घटना मृत्यु के द्वारा घटी,
लेकिन इस घटना को पहले ही समझकर और अलग मान लेना, इसका नाम है धर्म है। भाई आज धन है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, शत्रु है, सारी चीजें हैं, हम सबको अपना मानते हैं, हैं? इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे कि मोह जो है वो कहाँ कहाँ बहता है, कहाँ कहाँ जाता है। तो मुख्य मुख्य वस्तुओं के नाम के द्वारा इस श्लोक में उन्होंने बता दिया कि हमारा मोह कहाँ कहाँ बहता है। वपुर ग्रहम धनम द्वारा, वपुर ग्रहम धनम द्वारा, पुत्रा मित्राणी शत्रुवा, सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। कौन कौन सी चीजें हैं? वपु यानी शरीर, ग्रहम यानी घर, दारा यानी स्त्री है, पुत्र, पुत्र को तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, और मित्र और शत्रु। शत्रु भी किसका है? मेरा शत्रु है। शत्रु को भी क्या कहते हैं? वो भी मेरा है। मित्र तो मेरा है ही। मोह की परिभाषा हो गई ना ये, शत्रु भी मेरा है। जहां मेरा है वहां मोह है, यानी मित्र से तो मोह है ही, लेकिन शत्रु से भी मोह है। तो यहां पर बात करी है वपु शरीर से, सबसे पहले शरीर को रखा है। यदि सबसे ज्यादा मोह करते हैं तो किससे करते हैं? शरीर से करते हैं। कहीं यदि कोई आपत्ति आ जाएगी, कभी भूकंप आ जाए, कभी कोई घटना घट रही हो और पास में सारे लोग, घर वाले, तुम्हारे मित्र शत्रु सब बैठे हैं, तुम किसको पकड़ोगे, किसको समझाओगे? अरे चलो यहाँ पर वो हो रहा, कि सबसे पहले तुम भागोगे, क्या होगा? किसको बचाना चाहोगे? अपने आप को। तो सबसे ज़्यादा मुँह हमें किससे हुआ? शरीर से, बाल से लेके पैर के नाखून तक। हो तो जाए जरा सा कुछ, दिमाग वहीं पड़ा रहता है। बाल यदि झड़ रहे हो तो दिमाग में, आजकल बहुत बाल झड़ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जबकि बाल एक दिन ऐसे जल जाएंगे जैसे घास जलती है। कभी किसी अर्थी को जलते हुए देखा है? उसमें बाल कैसे जलते हैं? और कभी कभी तो अचानक कहीं पर घटना घट जाए तो उसमें भी बाल जल जाते हैं। उसमें बाल कैसे जलते हैं? जैसे घास जलती ना फटाफट फटाफट, ऐसे जल जाती है। इन बालों से इतना मोह है। फिर बालों के नीचे आओ, आँखों से, नाक से, कान से, कान को सजाते हैं, नाक को सजाते हैं, आँखों को सजाते हैं। फिर और नीचे आओ तो दांत पीले पड़ रहे, अब जरा सफाई करवानी है, दांत गिरने लगे हैं, नकली लगवाने हैं। फिर गले को सजाते हैं, फिर इन हाथों को सजाते हैं, इन पैरों को सजाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते शरीर के लिए। और दवाइयों के तो डिब्बे सबके साथ चलते हैं। मोह क्या है? ये मोह है, हैं? जहाँ पर घोर तपरिद्धि आती है, अघोर तपरिद्धि आती है, वहाँ पर ये वर्णन आया है कि जो मुनिराज होते हैं वो जंगल में रहते हैं, एक महीने का उपवास, दो महीने का उपवास कर रहे हैं, उनको बुखार आ गया, इतना बुखार कि पीड़ा से पूरा शरीर परेशान है, लेकिन फिर भी वो उस शरीर का उपचार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शरीर से मोह छोड़ दिया है। एक मुनिराज हुए हैं, वादिराज मुनिराज, एक ही भाव स्त्रोत्र जो अपन पढ़ते हैं उसी, वही वाले वादिराज मुनिराज। तो उनको शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग भी कौन सा वाला? गलित कुष्ठ, गलित, गल, शरीर गलने लगा, और वो आत्मा के ध्यान में लीन खड़े हैं। स्वर्ग में चर्चा हुई, बोले धरती पर यदि वर्तमान में वादिराज मुनिराज जो हैं वो बिल्कुल ऐसी तपस्या कर रहे हैं, इतनी पीड़ा, इतना कोढ़ होने के बाद भी उनका ध्यान शरीर में नहीं आत्मा में है,
उनका ध्यान शरीर में नहीं आत्मा में है। दो देवों से रहा नहीं गया, बोले चलो उनकी परीक्षा करके आते हैं। अब परीक्षा करने के लिए गए, अब वहाँ परीक्षा करने के लिए कैसे परीक्षा करें, वो तो आँख बंद करके और ध्यान में खड़े हैं। अब उनने वैद्य का वेश बनाया और एक पोटली में दवाइयाँ रखी और वहाँ जंगल में आवाज़ लगा रहे दोनों, किसी को कैसी भी बीमारी हो मैं उसका इलाज करता हूँ। फिर वह घूम के वहाँ तक जाते, फिर लौट के आते, यदि किसी को शरीर में तकलीफ हो, बीमारी हो, पीड़ा हो, उसका उपचार मैं हर तरह की बीमारी का कर देता हूँ। अब वो कान में शब्द गए अब वादिराज मुनिराज के। अब उनने कहा जरूर कोई है, चलो देखते हैं। आँख खोली, उन्हें बुलाया, भाई यहाँ आओ, मुझे एक बीमारी है, उसका इलाज तुम्हारे पास है क्या? तो वो समझ गए, अरे अब तो मुनिराज हमारे झांसे में आ गए, अब तो उन्होंने हमारी बात मान ली। वो खुश हो गए, उन्होंने कहा जो स्वर्ग में चर्चा हो रही थी वो सही नहीं लग रही है, चलो फिर भी देखते हैं, देखो ये क्या कहते, क्या बात करते हैं। तो उन्होंने, वादिराज मुनिराज ने उन दोनों वैद्य से कहा, बोले मुझे एक बीमारी है, यदि उसकी दवाई तुम्हारे पास हो तो बताओ। अरे महाराज आप तो बीमारी का नाम बताइए, हमारे पास तो सब चीज़ की दवाइयाँ हैं, ऐसी कौन सी बीमारी नहीं जिसके पास हमारे पास दवाई ना हो, आप तो नाम बताइए बीमारी का। अब वो सोच रहे थे मुनिराज यही कहेंगे कि मुझे तो कोढ़ हो रहा है और ये गल रहा है, शरीर में बहुत वेदना है, बहुत कष्ट है, वो तो यही कहेंगे, वो ये सोच रहे थे। लेकिन नहीं, उन्होंने शरीर की चर्चा ही नहीं करी, उन्होंने तो कहा कि भाई मुझे जो बीमारी है वो मुझे जन्म जरा मृत्यु की बीमारी है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, और इस जन्म मरण के बीच में एक बुढ़ापा नाम की और बीमारी है, ये भी बहुत परेशान करती है, यदि इसकी दवाई हो तो बता दो मुझे। दोनों देवों ने हाथ जोड़ लिए, धन्य हैं आप, इतना शरीर से निर्मोह, इतनी निर्ममता, आत्मा के प्रति इतना समर्पण है, स्वयं अपनी आत्मा को जानने वाले वास्तव में यही मुनिराज हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ यदि एक चेहरे पर फुंसी हो जाए, अरे बोलिए ना, हैं? बार बार आईने में जाते हो, बार बार उंगली जाती है, अरे फुंसी हो गई, अरे फुंसी हो गई, अरे फुंसी हो रही, कोई क्या कहेगा, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, जरा सा वो डार्क सर्कल हो जाएं, काले यहाँ पड़ जाएं, तो दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते, अरे आजकल आँखों के नीचे जरा काला काला सा हो रहा है, दिमाग में उसी की टेंशन बनी रहती है, बाल सफ़ेद हो जाएं। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ये मान रही हूँ कि सिर में दर्द हो रहा है तो आपको महसूस हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है तो आपको महसूस हो रहा है कि मुझे सिर में दर्द है, उसकी दवाई खानी वाजिब है, बनता है, उस दर्द को आप दूर करें चलो ठीक है, लेकिन सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है क्या? अरे बोलिए ना, सिर के बाल सफ़ेद होने में दर्द होता है क्या? नहीं होता है, नहीं हो रहा ना, फिर क्यों टेंशन? यदि बाल झड़ते हैं तो बाल झड़ते समय तुम्हें कष्ट देते हैं क्या? पता भी नहीं चलता कब निकल गए, वो तो कंघी करते हैं उसमें निकल जाते, चल भाई इतना परिग्रह और कम हुआ, शरीर भी परिग्रह है तो बाल भी परिग्रह है, जितने बाल कम हुए उतना परिग्रह कम हुआ। अब झड़ते हुए बाल ने तुम्हारे आत्मा में कोई कष्ट नहीं दिया है, सफ़ेद बालों ने तुम्हारे आत्मा को कोई कष्ट नहीं दिया है, तुमने टेंशन खुद ली है। ली कि नहीं ली? अब ये टेंशन क्यों हुई? वपु यानी शरीर से मोह है, किससे मोह है? शरीर से मोह है, और इस मोह में बैठा है मान कषाय, और मान कषाय अच्छा दिखना चाहता है, मान कषाय अच्छा दिखना चाहता है, और वो अच्छे दिखने की भावना सफेद वालों की टेंशन करवाती है। यदि मान कषाय ना हो, अंदर दिखाने की भावना ना हो, तो सफेद बाल हो रहे तो हो जाए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है?
बाल सफ़ेद होना कौन सी बुरी बात है। आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन में आपने रोटी खाई, दाल सब्जी पापड़ अचार खाया, जब आपका पेट थोड़ा भर सा गया, अंतिम में थोड़ा सा बचा खाली, तो क्या आता है सफ़ेद रंग का? अरे बोलिए ना, चावल आते हैं। क्या आते हैं? चावल के आने से क्या हो गया, मतलब एंड है भोजन का। सफ़ेद चावल क्या है? भोजन का एंड है। अब बाल सफ़ेद आ गए मतलब, अरे बोलिए ना, हैं जीवन का। आजकल नहीं मान सकते क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद आ रहे हैं, इस समय पहले इस समय ऐसा था, लेकिन फिर भी जीवन का पता तो है नहीं, कौन सा अंतिम दिन हो, कौन सा आखिरी दिन हो, कौन सी आखिरी सांस हो, पता है क्या? नहीं पता है। तो बपू यानी शरीर से सबसे ज़्यादा मोह करते हैं। आज आईना, पहले तो घर में एक आईना होता था छोटा सा, छोटा सा, और घर के आंगन में टंगा होता था, सब उस आईने के पास आते थे और शक्ल के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता था। ऐसे ही था ना, आप लोगों के घर में भी ऐसे ही था कि नहीं था? हैं, तो इस तरह से मात्र शक्ल देखी थोड़ी बहुत और अपने चल दिए। एक बार देखते थे 24 घंटे में, दिन भर देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो घरों के अंदर इतना सा आईना नहीं होता है, इतना सा तो वो बैग में होता है जब यात्रा में जाते हैं। हाँ, जब वहाँ बड़े ना मिले तो वहाँ छोटे से काम चल जाए, वो छोटा वाला होता है। अब वो जो आंगन वाला आईना था वो तुम्हारे बैग में आ गया, और जो बड़े बड़े शीशे, बड़े बड़े आईने रहते हैं वो घर में लग गए। अब उसमें गर्दन भी देखी जाती है, आगे के बाल भी देखे जाते हैं, पीछे के बाल भी देखे जाते हैं। मेरे बाल पीछे से कर रहे, एक आईना आगे लगा है, एक पीछे लगा है, बाल पीछे से देख रहे, आगे से देख रहे हैं, चोटी कैसी लग रही है, मेरे बाल, साड़ी कैसी लग रही है, पीछे से कैसी लग रही है, आगे से कैसी लग रही, मैंने क्लिप लगाई है वो कैसी लग रही है। अब बड़े बड़े आई, ये क्या है, किसको सजा रहे हो? एक दिन ये ऐसे छोड़ देगा, इतना स्वार्थी है। सबसे पहले यदि सबसे बड़ा स्वार्थी कोई है तो शरीर है, जिससे तुम प्रेम करते हो तो तुम ये भी चाहते कि वो भी मुझसे प्रेम करे। यदि तुमने किसी से जैजनेन्द्र करी है तो तुम्हारा मन कहता वो भी मेरे से। अरे बोलो ना, ये है कि नहीं? आना और जाना, मैंने उसको जैजनेन्द्र करी वो मुझे करे, मैंने उसको ऐसा किया तो वो मेरे लिए करे, मैंने यदि उसके जन्मदिन पे गिफ्ट दी है तो वो मुझे भी दे, मैं उसके यहाँ शादी में गया हूँ तो वो मेरे यहाँ भी आए, मैं उसके यहाँ मरने में गया हूँ तो वो मेरे यहाँ भी आए। मरने में जाते ना लोग, है क्यों जाते? अच्छा बताओ, मरने में वो तो जाने वाला तो चला गया, अब तुम उसके मरने पर क्यों गए? उसके अंदर से आत्मा तो निकल गई, शरीर पड़ा है, अब जाने से क्या फायदा है? स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कोई किसी के यहाँ मरने भी नहीं जाता, बैठने भी नहीं जाता, पूछने भी नहीं जाता। वो इसलिए गया है कि ये गया तो मैं तुम्हारे यहाँ आया, और जब मैं जाऊं, बिल्कुल बिल्कुल गारंटी है। यदि घर में आदमी ना जाता हो तो पत्नी कहती है तुम किसी की शादी में नहीं जाते, हमारे बच्चों की शादी में कौन आएगा, जाया करो। ऐसी चर्चाएं घर में होती है कि नहीं होती? स्वार्थ, ये क्या है? स्वार्थ है, हैं? तो इस शरीर से तुम प्रेम करते हो, इस शरीर से तुम प्रेम करते हो, लेकिन शरीर तुमसे प्रेम करता है क्या? चलिए, आप अक्सर कहते हो उसने हमारे लिए ऐसा नहीं किया तो हम उसके लिए ऐसा क्यों करें? वो हमसे पूछ के काम नहीं करता है तो हम उससे पूछ के काम क्यों करें? ऐसा होता कि नहीं होता अक्सर? उसने हमसे पूछा नहीं तो हम क्यों पूछें उसको? हम ही पूछें क्या? उसका भी तो फर्ज बनता है वो भी हमसे पूछ के काम करे। अब मुझे ये बताओ, शरीर में यदि बीमारी होती है तो तुमसे पूछ के आती है क्या? बाल सफ़ेद हुए थे, तुमसे पूछ के हुए थे क्या? तुम्हारे सिर में दर्द हुआ, तुमसे पूछ के हुआ क्या? तुम्हारे चेहरे पे फुंसी आई, तुमसे पूछ के आई क्या? अच्छा,
तुम तो शरीर को इतना पूछते हो सुबह से शाम तक, खिलाते हो, पिलाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, अच्छी अच्छी साबुन लगाते हो, डीओ लगाते हो, बाल काले करते हो, आईना दिखाते हो, तुम शरीर से इतना प्रेम करते हो और शरीर तुमसे पूछ के कोई काम नहीं करता है, ये तो मामला गड़बड़ है। अरे बोलिए ना, गड़बड़ है कि नहीं है भाई? जब हम इसके लिए इतना कर रहे हैं तो इसका भी फर्ज बनता है कि ये भी हमारे लिए कुछ करे, लेकिन ये कुछ नहीं करता तुमसे पूछ के। तो जाना भी हो, छोड़ना भी हो शरीर, वो भी तुमसे पूछ के नहीं छोड़ता है भाई, इतना भी फर्ज नहीं निभाता है। यदि किसी का आयु कर्म बस स्टैंड में समाप्त हो गया हो तो बस स्टैंड में ही छोड़ देता है, ये नहीं कि घर तक पहुँचा दे, चल भाई तूने सारी जिंदगी मेरे लिए इतना किया है, इतने नए नए कपड़े पहनाए, इतने साबुन लगाए, इतनी मेहनत करी तूने मेरे लिए, चल तुझे घर तक तो पहुंचा दूं फिर चला जाऊंगा मैं, इतना भी नहीं करता शरीर तुम्हारे लिए। और तुम शरीर से इतना मोह है, इतना मोह है, इतना मोह करते हो कि सारे दिन उसी की चिंता में आर्त ध्यान कर करके इस शरीर के कारण से दूसरा जो शरीर है उसकी दुर्गति कर लेते हो, यानी त्र्यंच गति में पहुंच जाते हो। आर्त ध्यान क्या है? क्या है आर्त ध्यान? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। यदि शरीर में बीमारी है और बीमारी का चिंतन चल रहा है तो कौन सा ध्यान हो गया? आर्त ध्यान हो गया। और आर्त ध्यान कहाँ ले जाता है? त्र्यंच गति में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? त्र्यंच गति में ले जाता है। तो शरीर तो कहता तू मेरे से मोह मत कर, मैं अपने अनुसार चलूंगा, तू अपने अनुसार चल, मेरा परिणमन मुझ में हो रहा है, तू अपने में परिणमन कर, मेरे से मोह मत कर। तीर्थंकर का शरीर भी अंत समय यहीं छूट जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, भाई देख मैंने सारी जिंदगी तुझे कितने अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए, तेरे तूने जो मांगा मैंने वो खिलाया, तूने जो मांगा मैंने वो सुनाया, तूने जो मांगा मैंने वो दिखाया, तूने जहाँ घूमने के लिए कहा मैं वहाँ गया, और अंत में अब तू मुझे यहीं छोड़ रहा है, तू मेरे साथ चल। बोले नाना मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। अरे मैंने तुझसे इतना प्रेम किया है, सारी जिंदगी तेरे प्रेम ने अपना निछावर कर दिया और तू मेरे साथ नहीं जा रहा। बोले तूने किया है मेरे से प्रेम, मैंने थोड़ी किया तेरे से। शरीर क्या बोलता है? ये कल्पना है, शरीर बोलता नहीं है, एक कल्पना है, चर्चा है, समझाने के लिए उदाहरण है। शरीर कहता है कि तूने मुझसे प्रेम किया है लेकिन मैंने तेरे से प्रेम नहीं किया है। तो शरीर सबसे पहला शब्द आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मोह में रखा है कि यदि जीव सबसे ज्यादा मोह करता है तो अपने शरीर से करता है। वपुर ग्रहम धनम दारा, अपने शरीर से प्रेम करता है, सब शरीर से मोह करता है, और इस शरीर के कारण से ना जाने कितने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसके कारण? शरीर के कारण। शरीर यही रह जाता है, जो पाप किया है अगले जन्म में जाकर उसका फल आत्मा को भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? आत्मा को भोगना पड़ता है। तो शरीर खुद कहता है कि भाई मैं तेरे से पूछ करके मेरे शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगा। शरीर में बुढ़ापा आता कि नहीं आता? आता है ना, तुमसे पूछ के आता है क्या? अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, अब बुढ़ापा शरीर पर ले आऊँ? पूछता है क्या कभी तुमसे? वो कब आ जाता है, कैसे आ जाता है? धीरे धीरे एक एक शरीर के अंगों पर अटैक करता है, आँखों पर करता है, आँखें कमज़ोर कर देता है, कानों पे करता है, कान जो कमज़ोर हो जाते हैं, पेट पे करता है, पेट की आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे पांव हिलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ हिलने लगते हैं, धीरे 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 करके बुढ़ापा शरीर में आता है। आत्मा में बुढ़ापा नहीं आता है। किस में आता है बुढ़ापा? शरीर में आता है बुढ़ापा। तो हमसे पूछ कर नहीं आता शरीर में बुढ़ापा। हमसे पूछकर शरीर की कोई भी क्रिया नहीं होती है। जब हमसे पूछकर नहीं होती है इसका मतलब वो हमें प्रेम नहीं करता है।
और हम उसे इतना प्रेम करते हैं, तो इसीलिए आचार्य महाराज ने सबसे पहले शरीर से मोह कम करने के लिए कहा। किससे कम करना है? सबसे पहले श्रृंगार से कम करो, फिर खाने से कम करो, फिर सुनने से कम करो, फिर देखने से कम करो। धीरे धीरे एक एक इंद्री का मोह कम करते चलो। डीओ लगाते हो, पहले खूब लगाते थे, पहले उसको कम करो, फिर धीरे धीरे करके उसको छोड़ो। गुटखा खाते हो, गुटखा किसके लिए खाते हो? आत्मा के लिए। भाई ये तो मान लिया भोजन जरूरी है, इस शरीर को, इस जीवन को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन गुटखा किस लिए जरूरी है? शराब किस लिए जरूरी है? चरस, गांजा, अफीम किस लिए जरूरी है? ये शरीर की जरूरत नहीं है, ये नशा है। नशा किसके लिए है? शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता, लेकिन गुटखा, शराब, अफीम, गांजा, पिज्जा, बर्गर, ये भी सब उसी में आएंगे, ये भी सब हिंसात्मक वस्तुएं हैं। तो इन सब के बिना जीवन चल सकता है। तो जितने चीजों के बिना जीवन चल सकता है, शरीर से मोह कम करने के लिए सबसे पहले उन चीजों का त्याग करो, जो जो चीजें हमारे लिए एक्स्ट्रा हैं, जिन चीज के बिना हमारा जीवन चल सकता है। इसके बिना चल सकता, चलो ये छोड़ दिया। इसके बिना चल सकता है, ये छोड़ दिया। धीरे 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 करके आपने मोह कम करना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसा आएगा। अभी समय सार की चर्चा चल रही थी, तो उसमें जो चर्चा आई कि जो एक परमाणु मात्र भी, थोड़ा सा भी राग यदि बाकी है, तो आगम को जानता हुआ भी पूरा नहीं है, और आत्मा को तो जानता ही नहीं है, और वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ये शब्द समय सार में, कितना राग, अरे बोलिए ना, परमाणु मात्र। परमाणु कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा सा होता है। यानी इतना राग हो तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, परमाणु मात्र राग हो तो। और यहाँ कितना राग है, अरे बोलिए ना, है दुनिया भर का कितना राग है? दुनिया भर का राग भरा पड़ा है। अब लोग कहते, बोले माता जी शास्त्र पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, इच्छा ही नहीं होती शास्त्र खोलने की, कारण क्या है? दुनिया भर का राग भरा पड़ा है। रिमोट लेके बैठते टीवी के सामने, अपने आप सीरियल खुल जाता है, प्रवचन देखते भी हैं, चैनल चेंज कर देते, नहीं वो सीरियल अच्छा लगेगा। इतना राग पड़ा है, इतना भरा पड़ा है कि प्रवचन सुनने तक का मन नहीं करता। इतना राग भरा पड़ा है, सुन भी लेते हैं तो याद नहीं रहता। जब तक सुनते तब तक अच्छा लगता है, लगता नहीं अब कल से तो बिल्कुल टाइम से आएंगे, बहुत अच्छा लगा आज तो। और जैसे ही घर गए, सारा बराबर, अब कौन जाए प्रवचन में? अब घर में इतना काम है, अब कौन जाए प्रवचन में? मोह में घुस जाओ तो ऐसे घुस जाते हैं कि आत्मा में, धर्म में, प्रवचन में आने का मन ही नहीं करता। और यहाँ आ जाओ तो लगता नहीं ये सही कह रहे, यहाँ ऐसा तो होना चाहिए। आत्मा की जब बात सुननी मिलती है तो चर्चा सही लगती है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं मोह का आवरण दोबारा से फिर छा जाता है। जैसे किसी सोते हुए गहरी नींद वाले व्यक्ति को, उसको जगाओ तो एक मिनट को जागता है, और तुम जरा सा चले जाओ फिर सो जाता है। बस यही मोह का काम है, जरा सा प्रवचन सुन के जागते हैं, फिर मोह छा जाता है, फिर वापस वैसे ही हो जाते हैं। है? तो मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह ने सबसे पहला अटैक किस पर किया है? ज्ञान पर किया है। मोह का अटैक किस पर है? ज्ञान पर है। वो सच नहीं देखने देता, जो मेरा नहीं है उससे मोह करवाता है। जो मेरा नहीं है, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो पड़ा क्या रह जाएगा? शरीर। इसका मतलब शरीर अलग और आत्मा, इतना तो पता ही होगा ना, सभी जानते होंगे भाई आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक जानना, मानना और अनुभव करना,
तीनों में बड़ा भारी अंतर है। मैंने कल भी बताया था कि राजा राणा छत्रपति, सबको मरना है, एक दिन सबको मरना है, हम भी मर जाएंगे, बैठे हैं आराम से, शरीर में कोई वेदना नहीं है, कुछ नहीं, आराम से चिंतन कर रहे हैं या सामने वाले को सुना रहे हैं। अभी शेर सामने आ जाए, शेर सामने आ जाए, फिर कहना राजा राणा छत्रपति हाथन की असवार, मरना सबको, कोई बात नहीं, आ जा खा ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वहां कहना। सामने बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, फिर कहना। जिस कमरे में सांप निकल जाए, महीना भर तो उस कमरे में नहीं जाओगे, यहाँ सांप निकला था। किसको बचा रहे हो? शरीर को बचा रहे। ये भय क्यों लगा? शरीर को बचाने के लिए ये भय लगा है, जबकि शरीर बचने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल। कभी एक्सीडेंट से, कभी ठोकर से, एक्सीडेंट भी ये नहीं पता किससे होगा, कैसा होगा, कहाँ ये शरीर छूटेगा, इस बात का पता नहीं है। उसके बाद भी शरीर से इतना मोह है, इतना मोह है, इतना मोह है। दवाई तो टाइम से खानी याद रहती है, मगर धर्म के काम टाइम से करना याद नहीं रहते हैं। और गुस्सा आ जाए तो छूट भी जाते हैं। यदि मंदिर में किसी की लड़ाई हो जाए, गुस्सा आ जाए, आज से हम मंदिर नहीं आएंगे। अभी घर में लड़ाई हो जाए तो घर नहीं छोड़ोगे, मंदिर छोड़ दोगे। बात समझ में? सबसे पहले क्या छोड़ा जाता है? धर्म छोड़ा जाता है। शादी हो तुम्हारे यहाँ तो क्या छूटेगा? मंदिर छूटेगा। बीमार हो जाओ तो मंदिर छूटेगा। खाना छूटेगा? नहीं। डॉक्टर छूटेंगे? नहीं। धर्म छूट जाएगा। ये कौन छुड़वा रहा है? मोहिन समृतम ज्ञानम, ज्ञान को ढक दिया है मोहिने, इसीलिए उन सब चीजों को तो बचाने में लगे हैं। को पापों से बचाना चाहिए, उसको पापों में लगाए रखे। आज तो केवल इस श्लोक की एक ही शब्द पर चर्चा हुई है कि वपुर ग्रहम धनम दारा। वपु यानी केवल शरीर से इतना मोह है, इतना मोह है, आत्मा से इतना मोह हो जाए, आत्मा के प्रति इतना समर्पण हो जाए जितना संसार के प्रति और शरीर के प्रति है, तो समझना कि फिर इस संसार शरीर मिलेगा ही नहीं, शरीर ही नहीं मिलेगा। जब शरीर नहीं मिलेगा तो आत्मा आत्मा में ध्यान में लीन रहेगी और फिर इस संसार को छोड़कर मोक्ष में चले जाएंगे, है ना? तो बाकी चर्चा कल करेंगे। धनुष में तीर का, युद्ध में वीर का, और मोह त्याग करने में शरीर का, जंगल में बाघ का, जंगल में नाक का, शहरों में बाघ का, और करने में शरीर के मोह के त्याग का। तो एक मोह त्याग कर सकते हो कोई भी आज? एक मोह, बालों का मोह त्याग कर सकते हो? आँखों का, कि आँखों में कुछ भी होगा हम टेंशन नहीं करेंगे। कानों का, शरीर के कोई भी एक अंग का त्याग कर दो। किडनी का, किसी भी एक अंग का त्याग कर दो, नहीं हो पाएगा। होते ही टेंशन से, कोशिश तो कर ही सकते हैं, हैं? कोशिश प्रयास करने में क्या दिक्कत है, हैं? अच्छा, कोरोना का टेंशन छोड़ दो, कहना नहीं नहीं छोड़ सकते, अभी तो हमें जीना है, जियो, टेंशन छोड़ दो, बच के रहो, टेंशन छोड़ दो। ये नहीं कह रहे कि तुम बचो मत, बचो, लेकिन दिमाग में 24 घंटे टेंशन ना रहे। तो इस शरीर को, शरीर से मोह है, अनंत काल से किया है और अभी भी वही कर रहे हैं। जिससे प्रेम करते हैं वही मिलता है, शरीर से प्रेम करते हैं इसलिए हर जन्म में शरीर ही मिल जाता है। जिसको चाहोगे वो आ जाएगा, है ना? बोले 24 भगवान की।